और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। उनके आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बता दें आपको कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। में हमारे साथ सांसद नकुल नाथ है, हम उनसे बात करते हैं। सांसद जी, एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह आप अपने मोर्चे पर डटे हुए और जैसा रूटीन कार्यक्रम होता है वैसे ही लोगों से मिल रहे हैं, वैसा ही बातचीत और वैसा ही आयोजन। सबसे पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। सही कहा आपने, जैसा हम कार्यक्रम करते हैं महीने में दो बार ही आते हैं वैसा ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। और भाजपा जितना भी घेरने की कोशिश कर ले, पिछले चुनाव में भी कोशिश किया था, 2004 के चुनाव में भी कोशिश किया था, कितना भी कोशिश कर ले, कमलनाथ जी यहाँ 40 साल से हैं, उनको जनता का प्यार और विश्वास 40 साल से मिलता रहा है। आपने नववर्ष मनाया, लोगों के बीच में गए, तिलक लगाया, परंपराओं का आप पालन करते हैं। पिछली बार रक्षाबंधन में आपने बहनों की राखियां बांधी, बहनों के साथ फेस्टिवल मनाया, लगातार का ये जुड़ाव जो है ये राजनीति से हटकर दिखाई देता है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि छिंदवाड़ा के लोग मेरे परिवार समान हैं और मैं तो बचपन से यहीं आ रहा हूँ, तो मेरा और छिंदवाड़ा का केवल राजनीतिक रिश्ता ही नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। ये थे छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ, जिनका कहना है कि छिंदवाड़ा में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयास लगा ले, कमलनाथ का गढ़ है, रहा है और आगे भी रहेगा। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज़, छिंदवाड़ा।